हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है। आर सी यू एन एस टू दे रखा है बेटा हमें, अमाइड ग्रुप दे रखा है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है बेटा 4 मोल ऑफ एन ओ एच के साथ प्लस 1 मोल ऑफ बी आर टू के साथ, जिससे हमें क्या मिल रहा है बेटा, प्राइमरी अमाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डेट इज आर एन एस टू। साथ में बेटा मेरा 2 Na Br बन रहा है, साथ में बेटा मेरे Na2CO3 बन रहा है, साथ में बेटा मेरा 2H2 बन रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन मुझे आ रही है कौन सी है बेटा, तो देखिए अमाइड से प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। होफमैन ब्रोमा अमाइड, ब्रोमिन ले रखा है ना बेटा स्पेसिफिक, तो डिग्रेडेशन रिएक्शन, होफा ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन या होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट है बेटा, इसमें अमाइड से प्राइमरी अमाइन बनता है। बात करूं बेटा स्किम्ड रिएक्शन की, तो इसमें क्या होता है, हमारा अजाइड को रिएक्ट कराया जाता है कार्बन ग्रुप के साथ ताकि अमाइन या अमाइड मिल सके, ठीक है। इसको रिएक्शन कराया जाता है बेटा अजाइड की रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल दिखाऊं बेटा, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मेरा बेंजोइक एसिड है बेटा, है ना, PH C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन कराई जाएगी बेटा मेरे हाइड्रोजोइक एसिड के साथ HN3 के साइड, ठीक है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं बेटा, तो यहाँ पे N2 का रिमूवल होकर और CO2 का रिमूवल होकर हमें एनिलीन मतलब अमाइन मिल रहा है बेटा। क्या मिल रहा है बेटा, अमाइन मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें तो अमाइड वगैरह था ही नहीं स्टार्टिंग में। बात करें बेटा मेरे कर्टियस रिएक्शन की, तो कर्टियस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, मेरा कर्टियस रिएक्शन में बेटा मेरा थर्मल डिकम्पोजिशन होता है असाइल अजाइड का, ठीक है, टू आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये फर्दर पहले भी ऐसे बताया जाता था बेटा, पर कर्टियस एक्चुअली में क्या है बेटा, इसमें कार्बोनिक एसिड को कन्वर्ट कर सकते हैं आइसोसाइनाइड में बाय द हेल्प ऑफ असाइल अजाइड इंटरमीडिएट। असाइल अजाइड में इंटरमीडिएट की हेल्प से हम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो उसमें भी बेटा मेरा कोई अमाइड वगैरह यूज नहीं होता, असाइल अजाइड ले जाता है। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर भी मैं जनरल फॉर्म दिखा देता हूँ, Rc N3 पॉजिटिव। फर्दर बेटा इसको हीट करेंगे तो यहाँ से बेटा मेरा N2 का रिमूवल होगा और आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा, Rn डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब आइसोसाइनेट को फर्दर बेटा हाइड्रोलिसिस कर दे तो उससे अमाइन मिल जाएगा, जैसे एस्टर साथ रिएक्शन का अमाइन मिल जाएगा, एल्को साथ रिएक्शन कराओ तो कार्बामेट मिल जाएगा, आर एन अमाइन के साथ रिएक्शन कराओ तो यूजर डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो हमारा ये तो आंसर होगा नहीं बेटा क्योंकि हमारा तो अमाइड दे रखा है। बात करें बेटा बैकमैन रिएक्शन की, तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, बैकमैन रिएजमेंट या फिर बैकमैन रिएक्शन में इसमें क्या होता है बेटा, मेरा ओग्जाइम को कन्वर्ट किया जाता है अमाइड में, ठीक है, एसिडिक कंडीशन के अंदर ओग्जाइम बेटा अमाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे मेरा ये सी डबल बॉन्ड हो, NOH हो गया बेटा, ये मेरा ओग्जाइम हो गया। ये ओग्जाइम कैसे बना होगा, ये कार्बन कंपाउंड के NH2S का रिएक्शन करवाने में बनता है बेटा, ठीक है। इसके एसिडिक कंडीशन में आप ले लोगे तो बेटा हमें क्या बनता हुआ दिखाई देगा, अमाइड बनता हुआ दिखाई देगा। क्या बनेगा बेटा, मेरा अमाइड बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। तो ये भी इनकरेक्ट है बेटा क्योंकि हमें तो अमाइड स्टार्टिंग में दे रखा था। तो ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।